और इस पापी पेट के लिए, क्योंकि तैरना ही नहीं आता, क्या करें। कैसा लगा नजारा, इस नजारे को सलाम करते हुए करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। जय हिंद, राम राम, बड़ों को प्रणाम और छोटों को हेलो। फ्रेंड्स, कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा, लड़का स्मार्ट लग रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, नवाबों के शहर लखनऊ को चार चांद लगाने वाला एक ये भी पार्क है और इस समय मैं हूँ गोमती रिवर फ्रंट। यो, जरा एक बार नजारा तो चेकआउट करिए भाई, मजा आया। तो मैं इस समय हूँ गोमती नगर रिवर फ्रंट पे और यहाँ का ग्राउंड देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और इस समय मैं ट्रैक पे चल रहा हूँ और आपको सीरियसली बताऊं, जो यहाँ की वाइब्स आ रही है ना, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है कि मैं क्या बताऊं। ग्रीनरी ग्रीनरी, और ये जो पार्क है ये सीरियसली में बहुत ही बड़ा है, खूबसूरत लग रहा है ना। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके ये हवा जो चेहरे को लग रही है ना, और वो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो मेरे जस्ट पीछे है वो ब्रिज जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो के देखा होगा, वहीं से मैंने वो शॉट लिया था। वो जो ब्रिज है आपका लोहिया पार्क से 1090 चौराहे की तरफ जाता है। बट मैं एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ के, कि ये जो नदी है ना, आप जरा इसका हाल देखिए, क्या आपको अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा होगा। और इसका कारण क्या है, गंदी क्यों है? इसके कारण हम ही लोग हैं, हम आप हैं, क्योंकि हम अपने शहर को गंदा कर रहे हैं। ऐसा मत किया करो गाइस, ऐसा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। जरा यहाँ की ग्रीनरी को ध्यान से देखिए, खास करके ये गुंबद जो इसकी नक्काशी की गई है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ के पार्क को देखिए, खास करके यहाँ पे बच्चे फैमिलीज इंजॉय करने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, पकौड़े शकौड़े। और ये सामने है एंट्री, मैं जूम करके दिखाता हूँ, स्टेयर्स दिख रही होंगी, यहीं से मैं आया था। और आप देख रहे होंगे बच्चे खेल रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनली मुझसे जानना चाहेंगे इस जगह की खास बात, तो मैं ये कहूँगा कि पूरे लखनऊ शहर में एकदम सेंटर में ये पार्क बना हुआ है। और खास करके इस जगह की ये बात मेरे को पता है क्या अच्छी लगती है, हर तरफ कॉन्क्रीट का जंगल और बीच में ये पार्क। सो फ्रेंड्स, चलते चलते गया हूँ मैं थक, तो अब मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा इस पार्क के बारे में। यहाँ पर जो आप चाहते हैं वो सब कुछ है, यहाँ पर रिवर है, साइकिल ट्रैक है, गार्डन है, और इस पापी पेट के लिए चटर पटर वाले सारे सामान भी हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यस, आपने सही सुना, आप यहाँ पे आके पिकनिक कर सकते हैं, बट यहाँ पे गंदगी मत फैलाइएगा। तो अब यहाँ के थोड़े से सिनेमैटिक को आप एंजॉय करिए। बहता पानी कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, पानी बहता देख के मेरे को तैरने वाला समझे क्या? मैं तैरेगा नहीं, क्योंकि तैरना ही नहीं आता, क्या करें, मजबूर है, तैरना नहीं आता। सो फ्रेंड्स, वापस आ जाइए, मैं यहीं पे हूँ, अभी बहुत चीजें बाकी हैं आपको दिखानी। तो कैसा लगा सिनेमैटिक शॉट, आई होप यू एंजॉयड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइट शो भी होता है और इसके आसपास
रिवर फ्रंट के आसपास आपको जनेश्वर मिश्र पार्क मिल जाएगा, लोहिया पार्क मिल जाएगा, मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह है, मरीन ड्राइव तो है ही। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कोई भी वीडियो का पार्ट अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो अच्छा सा कमेंट लिख के मेरे दिल को बागबान कर दीजिएगा। रहा नहीं जाता। सो फ्रेंड्स, धीरे धीरे शाम होती चली जा रही है, और शाम हो रही है तो रात होगी, और रात होगी तो मैं आपको ब्यूटीफुल सा सनसेट दिखाऊंगा। क्या आप देखना चाहेंगे? तो ये लीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा सनसेट? आई होप यू एंजॉयड। तो इसी उस पे मेरे को दो लाइन याद आ रही है कि ढल गया है दिन, हो गई है शाम, जाने दो अब मुझे जाना है, क्योंकि मम्मी बुलांदी सी, बीवी बुलांदी सी, नहीं तो डांट पड़ेगी ना। समझ रहे हो? मैं आप लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो कोई भी पसंद आ रहा है, वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आ रहा है, तो हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए फ्रेंड्स। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे आती रहेगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही किसी एक्साइटिंग ब्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हैव अ नाइस इवनिंग।